उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम को घाटे से बाहर लाने के लिए आने वाले समय में कड़े नियम बनाए जाएंगे। शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस संबंध में निगम की कर्मचारी यूनियन से भी सुझाव मांगे गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि घाटे के रूटों को बंद करने सहित रियायतें देने वाले फैसलों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक आधार पर लगाई गई शून्य आय वाले बस रूटों की भी समीक्षा की जाएगी। किस ढंग से मजबूत करना है, HRTC के आय में कैसे संसाधन जो है कैसे पैदा करने हैं, या HRTC के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको हमने किस ढंग से मीट करना है, वो सारी डिस्कशंस हमारी हुई हैं। तो इसलिए HRTC के आय में संशोधन कैसे हो या व्यवस्था कैसे सुधरे, उसकी हमारी डिस्कशन चल रही है। HRTC की आय को बढ़ाने के लिए हमने चारों यूनियन से राय मांगी है। हमने चारों से पूछा है कि आप ये बताएं कि HRTC 65 करोड़ कमा रही है और हम इसकी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने चारों को कहा है कि आप अपना स्टेटस नोट हमें प्रेजेंट करें ताकि हम अपने उस पे खड़े हो सकें। उन्होंने बताया कि राजपथ परिवहन निगम इस समय 1355 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। उन्होंने कहा कि निगम की मासिक आय 65 करोड़ रुपए है, जबकि खर्च करीब 144 करोड़ रुपए के आसपास है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि परिवहन निगम में OPS लागू करने का भी फैसला लिया गया है, जिसके लिए कर्मचारी तैयार है।